हेलो गाइस, सो आज मैं अमृतसर आई हूँ एंड मैंने पठानकोट से मैं अमृतसर की जर्नी किया है 2 घंटे का मैंने ट्रेन में जर्नी किया है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी था, 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। अभी फ़िलहाल मैं होटल में आई हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होकर, उसके बाद मैं अभी ये शूट कर रही हूँ। एंड अभी तक मैंने कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ, मैं गोल्डन टेम्पल के पास ही होटल लिया है क्योंकि मेरा मेनली मैं यहाँ पर गोल्डन टेम्पल देखने ही आई हूँ। बाकी टाइम मिले तो और भी कुछ घूमने की जगह जो है वो मैं घूम लूँगी। तो मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो एंड तक देखिए एंड मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आप देख सकते हो ये हमारा होटल रूम है, छोटा सा है बट 2 जनों के लिए एनफ है एंड काफ़ी क्लीन है एंड बेड वगैरह जो भी है लग्जरी है। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए जो भी आप ऑर्डर करोगे आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं गोल्डन टेम्पल के लिए निकली हूँ। तो सबसे पहले मुझे भूख लग गया था तो मैं यहाँ पर गोलगप्पे खा रही हूँ। उसके बाद मैं मार्केट से होते हुए गोल्डन टेम्पल में गई हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे जो मार्केट जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर आप बैठ सकते हो फैमिली के साथ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, खाने के स्टोर है। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग कर सकते हो। रास्ते आप देख सकते हो कितना क्लीन है, आपको अलग ही फील होगा ये मार्केट वाले एरिया में, बहुत ही अच्छा है ये एरिया। यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। मार्केट ख़त्म करके अभी हम गोल्डन टेम्पल के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो बाहर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंदर जाके, आप देख सकते हो अंदर जाके यहाँ पर इस साइड में, लेफ़्ट साइड में जहाँ मैं जा रही हूँ, यहाँ पर जूते चप्पल जमा करना पड़ता है, उसके बाद हम आगे जा सकते हो। तो गोल्डन टेम्पल के बाहर आप देख सकते हो ये वाला एरिया है, काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। ये व्यू भी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पर गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस रही हूँ, आप देख सकते हो। सो आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल यहाँ से दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ। इसके बाद धीरे धीरे मैं अंदर जा रही हूँ एंड अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बट फिर भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो रात का व्यू जो है बहुत ही अच्छा है यहाँ का। अगर आप गोल्डन टेम्पल आते हो एंड दिन में आके आप देख के चले जाते हो तो ऐसा आप बहुत गलत करोगे, क्योंकि आपको रात को भी यहाँ पर आना चाहिए। रात का व्यू जो है, नज़ारा जो है एकदम अलग ही है, आपको अलग ही फील होगा रात को यहाँ। सो गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने से पहले, उसके पहले आप चाहो तो आप लंगर खाने जा सकते हो। मैं यहाँ पर लंगर खाने गई थी पहले, उसके बाद मैं माथा टेकने गई थी। लंगर वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने कभी भी गुरुद्वारे में लंगर नहीं खाया है तो आप ज़रूर यहाँ पर आके लंगर खाना, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये एक अलग ही फील है, अलग ही जगह है। मतलब जब तक आप यहाँ पर आके सामने से नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा इस जगह की खूबसूरती। यहाँ पर हम 8 बजे आए थे और 2 से 2.5 घंटे तक हम यहाँ पर ही थे। उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल से निकल गए। निकल के आप देख सकते हो वही मार्केट से ही हम जा रहे हैं। यहाँ पर अभी मार्केट जो है काफ़ी क्राउड जो है कम हो गया है क्योंकि रात का टाइम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खाली मार्केट जो है यही घूम रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस टाइम क्राउड में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था घूमने में मार्केट में, तो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी क्राउड कम हो गया है। नाइट का टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
सो यहाँ से निकल के हम एक ई रिक्शे करके एक नए मार्केट में गए हैं। यहाँ पर इस मार्केट का नाम है रेरी मार्केट। ये रात के 2 बजे तक ओपन रहता है। आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत से फास्ट फूड की दुकानें, हर टाइप का फास्ट फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे नॉन वेज हो या फिर वेज हो, हर टाइप का मिलेगा एंड काफ़ी टेस्टी भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तब रात के 11:30 बज रहा है, बट इस टाइम भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं खाना खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सही एरिया है। कुछ खाना पीना हो आपको तो आप अमृतसर में जाके इस जगह पे ज़रूर आना। उसके बाद आप देख सकते हो ये इसके कुल्फ़ी हाट है। यहाँ पर हैंडमेड मिल्क शेक मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी है। अगर आप आओगे तो आप भी ज़रूर ये टेस्ट करना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो स्टॉल है तंदूरी जायका, यहाँ पर नॉन वेज खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, काफ़ी टेस्टी है। ऑल्सो यहाँ के जो सारे स्टॉल है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो आप यहाँ पर खाना टेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर तंदूरी चिकन ऑर्डर किया है एंड प्राइस जो है उतना ज़्यादा हाई नहीं है, सही है। मतलब टेस्ट के हिसाब से यहाँ का जो भी फास्ट फूड का खाने का जो प्राइस है वो एकदम सही है। तो आप देख सकते हो ये मैंने ऑर्डर किया। सो नेक्स्ट डे हम फिर से मॉर्निंग में निकले हैं। अब देख सकते हो काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, मतलब उस टाइम टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई था गाइज, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा था, आप सोच नहीं सकते हो इतना गर्मी था। बट फिर भी घूमने गए हैं तो हमें दिन के टाइम भी बाहर निकलना था, घूमना था, होटल में बैठे नहीं रह सकती थी, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जलियांवाला बाग में गए हैं। यहाँ से हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, ऐसा नहीं था कि गर्मी है इसलिए क्राउड कम होगा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। तो एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर अमर शहीद ज्योत है जो कि 24 घंटे ऐसे ही जलता रहता है। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ क्लोज़अप, आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं, बट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम है। यहाँ पर एक खूनी कुआं है और एक म्यूज़ियम था, बट कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे थे। ये जगह जो है ऐसे ही बंद करके रखा हुआ था। तो आगे आप देख सकते हो बाकी एरिया जो है इस टाइप का कुछ है। सो यहाँ पर आप ये गोलियों के निशान देख पा रहे हो, ये तब के हैं जब के 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस टाइम के गोलियों के निशान इस तरीके से मार्क करके रखा हुआ है। सो यहाँ से हम बहुत जल्दी ही निकल गए थे। उसके बाद आप देख रहे हो हम फिर से गोल्डन टेम्पल पे आए हैं, बिकॉज़ कल रात को मैंने यहाँ पर रात का नज़ारा देखा था, तो दिन का नज़ारा देखने के लिए मैं यहाँ पर फिर से आई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर पानी में फिश है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। बट गाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी था। अगर आपको गोल्डन टेम्पल पर आना है तो मैं कहूँगी आपको आप नाइट में ही आओ, दिन को मत आओ, क्योंकि दिन के टाइम बहुत गर्मी रहता है। और अगर आपको दिन के टाइम आना ही है तो आप समर में मत आओ, विंटर में आओ। तो यहाँ पर थोड़े टाइम हमने अंदर बिताया है, उसके बाद हम बाहर निकले। आप देख सकते हो बाहर कितना ब्यूटीफुल एक फाउंटेन है एंड मौसम काफ़ी ज़्यादा सही हो गया था, बादल छा गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सारा दिन का जो गर्मी था उसके बाद मौसम ऐसा होने से बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा था। तो यहाँ पर थोड़े टाइम मैंने बैठा बैठ के ऐसे ही बिताया था, उसके बाद मैं यहाँ से निकली। थोड़े टाइम में हमारा ट्रेन था गाइस, बट बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो कुछ खाना भी था। तो यहाँ पर थोड़ी देर में हमें दिखाई दिया सबवे का रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हम गए कुछ खाने के लिए एंड थोड़ा टाइम भी वहाँ पर रेस्ट कर लिया ताकि सही फील हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी था सुबह से। सबवे के अंदर से मैंने ये क्लिप लिया है, आप देख सकते हो गाइस बाहर का व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। शायद हम 2 दिन के लिए प्लान करके आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, यहाँ से निकल के हम मार्केट से होते हुए फिर से हमने रिक्शा ले लिया स्टेशन के लिए, क्योंकि बारिश आने वाला है गाइस बहुत तेज़। तो अभी हम स्टेशन की तरफ चल पड़े हैं। सो गाइज़ अभी मैं अमृतसर से वापस जा रही हूँ, तो जब से मैं कल से आई थी मौसम बहुत गर्मी था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी था यहाँ पर, बट अभी जाते टाइम मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आप देख सकते हो।
बहुत ही अच्छा हो गया है मौसम, अभी थोड़ा बारिश भी हुआ है, तो अभी सारा जो थकावट था वो एकदम से सब ठीक हो गया है। एंड अभी मैं अगर हो सकता तो अगर पहले से टिकट नहीं काट के रखती तो शायद आज भी मैं रुक जाती, इतने अच्छा मौसम हो गया है। पर मैंने टिकट पहले से काट के रखा है तो अभी जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से वापस पठानकोट जाऊँगी, उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली जाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।